हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड के बारे में। शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करे जाएंगे कि शॉर्ट हैंड स्टार्ट कैसे करें, कितने मंथ्स में खत्म कर सकते हैं लर्निंग, डेली आउटलाइन प्रैक्टिस कैसे कैसे करनी है, लीगल या जनरल एपीएस में आएगा और भी बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बने रहें। तो पहले बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड स्टार्ट कैसे करें और कितने मंथ्स में लर्निंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको स्टार्ट करने के लिए शॉर्ट हैंड की लर्निंग पहले खत्म करनी होगी, जिसके लिए आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट देखना होगा। क्योंकि पढ़ाने को तो मैं भी लर्निंग पढ़ा सकती हूँ, आपको कंप्लीट करा सकती हूँ, बट मैं बिलीव करती हूँ कि ऑनलाइन से अच्छा मीडियम होता है ऑफलाइन आपको लर्निंग कंप्लीट करने का। क्योंकि वहाँ पर लर्निंग के पॉइंट पे आपको हज़ार डाउट होते हैं, वो वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकते, इसीलिए आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। और साथ ही लर्निंग खत्म करने के लिए आपको 3 मंथ्स लगेंगे। तो आपकी जब एक बार लर्निंग कंप्लीट हो जाए तो आप स्टार्ट करेंगे केसी, मतलब कैलाश चंद्र प्रैक्टिस करना और आउटलाइंस को सीन करना। साथ ही कैलाश चंद्र की कोई बुक मार्केट में मिलती नहीं है, आप उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। 4 वॉल्यूम्स होती हैं कैलाश चंद्र की। फर्स्ट आप पहली वॉल्यूम से शुरू करेंगे। और अगर आप एपीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको साफ समझाना चाहती हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी से तो आपके पास अब से जुलाई का 10 डेज छोड़ा जाए तो आपके पास मैक्सिमम टू मिनिमम 7 to 6 मंथ है स्किल के लिए, जिसमें से आप अगर 3 मंथ का लर्निंग निकाल दें तो आपके पास 3 से 4 मंथ है स्किल के लिए। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि जो भी अभी स्टार्ट कर रहा, मतलब आज से जो भी स्टार्ट कर रहा है, इस मंथ से स्टार्ट कर रहा है, तो उनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है रेदर देन कि जो बहुत टाइम से स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि इतने कम समय में बहुत अच्छी स्किल सीखना इज नॉट पॉसिबल। 4-5 साल मैंने खुद अपने दिए हैं शॉर्ट हैंड को, और मेरे हिसाब से शॉर्ट हैंड का मतलब होता है एक्सपीरियंस, कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन। एक्सपीरियंस आपको जितना होगा उतनी आप ढेर सारी वर्ड्स की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। मैंने शायद आज तक 500 से 600 कॉपीज से भी ज़्यादा शायद मैंने ख़त्म करी है प्रैक्टिस पर। साथ ही अगर बात करें कंसिस्टेंसी की, तो अगर आप इस पे कमांड करना चाहते हैं, वाकई में आप इसे बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंट होना होगा। नहीं तो इरेगुलरिटी के वजह से आप जो 2 कदम आगे आए हैं अपने आप 10 कदम पीछे जा सकते हैं रेगुलर ना रहने की वजह से। एंड लास्टली बात करूंगी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज द नंबर 1 पार्ट ऑफ द शॉर्ट हैंड। जब आपकी कमांड वर्ड्स पर हो चुकी होती है तो बस कंसंट्रेशन, मतलब जो डिक्टेशन चल रहा है हर एक वर्ड पर जैसे बोला जाए वैसे आपकी कॉपी पर उतर जाना चाहिए, तो इतना अच्छा कंसंट्रेशन आपका होना ही चाहिए। तो ये 3 मेन पॉइंट होते हैं शॉर्ट हैंड के। अब नेक्स्ट बात करूंगी मैं एपीएस के बारे में, जो आपके क्वेश्चंस थे उसके बारे में। तो एपीएस में आपने पहले पूछा कि शॉर्ट हैंड कैसे आएगी, मतलब लीगल आएगी या जनरल आएगी, स्पीड क्या होगी, साथ ही वर्ड्स कितने बोले जाएंगे, कितने मिनट्स का डिक्टेशन होगा। ओके, तो पहली बात बताते हैं लीगल शॉर्ट हैंड चलेगी आपकी एग्जाम में। ओके, तो लीगल शॉर्ट हैंड का मैटर आपको बोला जाएगा एपीएस में। स्पीड की बात करें तो 100 वर्ड पर मिनट आपको बोली जाएगी, मतलब एग्जाम में तो आपको 100 मांगते हैं, बट यू हैव टू वर्क ऑन एटलीस्ट 110 to 120 WPM, 110 से 120 वर्ड पर मिनट पे आपको काम करना है। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपकी नर्वसनेस के वजह से स्पीड आपको ज़्यादा लगने लगती है, साथ ही कभी कभी अगर स्पीड ज़्यादा तेज बोल दी जाती है, मतलब जैसे अभी आप जानते ही हैं यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जब पेपर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें स्पीड ज़्यादा बोली गई थी जिस वजह से बच्चे थोड़े परेशान हो गए। रिटर्न में भी बहुत अच्छा नंबर लाने की वजह से भी वो नहीं हो पाए थे क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा आ गई थी। तो इसलिए वर्ड्स से वर्स्ट केस के लिए तैयार रहेंगे आप। नेक्स्ट बात करें 500 वर्ड्स to 520 वर्ड्स बोले जाते हैं एग्जाम में डिक्टेशन, साथ ही 5 मिनट्स का डिक्टेशन चलता है। ओके, तो ये सारे ही पॉइंट्स आपके एपीएस के मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। साथ ही स्ट्रेटेजी वीडियो अगर रिटर्न से रिलेटेड आप देखना चाहते हैं तो मैंने आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, किस तरह से एपीएस का रिटर्न होता है, किस तरह से स्किल का स्टेज पे कैसे कैसे नंबर डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं, वो भी मैंने सब आपको बता दिया है। साथ ही लीगल डिक्टेशंस के इंपॉर्टेंट आउटलाइंस जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, तो वो कमेंट सेक्शन में अगर आप मेंशन करेंगे तो मैं वो आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि लीगल और जनरल का एक डिक्टेशन बैच में चलाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको ये डिक्टेशन चाहिए, मतलब डिक्टेशन साथ ही इंपॉर्टेंट आउटलाइंस जो कि एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, वो मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करा सकती हूँ। शॉर्ट्स में आपकी आउटलाइंस चलेंगी, साथ ही वीडियोस डिक्टेशन के आएंगे जो कि जनरल और लीगल के होंगे। आपके एग्जाम में 101% उसमें से वर्ड बनेंगे ही बनेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरा फर्स्ट एपीएस में जब निकला हुआ था तो मेरा स्किल में 138 आया था, बस रिटर्न के वजह से रुक गया था। लेकिन बात करें अभी यहाँ पर कि कैसे हमें काम करना है इस बार के एपीएस पे, तो
उसकी सीधी स्ट्रेटजी यही है कि आप जितना प्रैक्टिस कर सके उतना प्रैक्टिस करिए वर्ड्स का, साथ ही आउटलाइंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, सीन मैटर ज़्यादा करिए, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बैच चलाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना ना भूलें साथ ही, क्योंकि जानते हैं आप अगर 10-5 व्यूइंग आएगी तो कोई मतलब नहीं होगा वीडियो बनाने का। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और भी वीडियोज़ जैसे टॉपिक वाइज आपके करंट अफेयर चल रहे हैं और हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब चल रहे हैं आपके, तो उन सब में टाइम ज़्यादा लगता है। तो और मैं जॉब भी करती हूँ एज अ स्टेनोग्राफर इन सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो इसलिए थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी अगर आप 10-5 ही व्यूइंग देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो को लाऊं आपके सामने, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि मैं उस वीडियो को आपके सामने लाऊं। आप एक दो वीडियो से ही समझ जाएंगे कि कितना अच्छा मैटर आपको मिल रहा है, साथ ही आउटलाइंस भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे आप अगर एक बार देखेंगे। तो मैं तो रेडी हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आप रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।